तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं क्षितिज पॉलीलाइन के बारे में। थोड़े टाइम पहले मैंने इसके शेयर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि भाई शेयर ऑपरेटर ड्रीवन है और इसके अंदर ऑपरेटर गेम स्टार्ट भी हो चुका है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। थोड़े दिनों पहले की मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ, ये कंपनी 9 सितंबर के करीब फिर से बढ़ी थी और अचानक से क्रैश हो गई थी। मतलब ऐसा ही होता है भाई ऑपरेटर शेयर्स के अंदर, कंपनी 50-60% तक क्रैश हो सकती है। अभी भी ये कंपनी दोस्तों उस लेवल तक नहीं आई है जहाँ से आप लोगों ने देखा होगा, कंपनी के अंदर अभी अपर सर्किट लगा पड़ा है। अभी हम कंपनी कुछ मेन फंडामेंटल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी के अंदर किस हिसाब से वॉल्यूम लगी पड़ी है और कंपनी कहां तक जा सकती है। तो अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों जब शेयर का इसका कुछ भी हवा वगैरह नहीं हुआ था तो उस टाइम 3 या 4 मिलियन के हिसाब से या फिर लाख के हिसाब से शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे थे। अभी कंपनी की वॉल्यूम बढ़कर आ चुकी है 14 लाख तक, जो कि कल परसों के करीब जब भी मार्केट ओपन था 12 लाख तक की थी, और उससे पहले शेयर 8 लाख की वॉल्यूम मैक्सिमम यहाँ पर गई थी। तो मतलब शेयर अच्छे खासे वॉल्यूम में यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं और इसी के साथ साथ ये शेयर जो है अपर सर्किट में भी चल रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर दोस्तों मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाओगे तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा हल्का फुल्का यहाँ पर लोअर सर्किट भी देखने के लिए मिल रहा है। मतलब दोस्तों शेयर के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हल्का सा क्रैश हो गया, यहाँ हल्का सा क्रैश हो गया। मतलब जो बंदा भी सेल करना चाह रहा है वो यहाँ पर एग्जिट ले रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर ले रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे ये ताज़ा अगर तगड़ा लोअर सर्किट आ गया ना, जैसे कि भी ऐसे बढ़ रहा अचानक से ऐसे हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपका ये शेयर सेल नहीं होगा। मैं आप लोगों को पहले कंफर्म कर देता हूँ, क्योंकि मेरी पिछली वाली वीडियोस बनाने के बाद वहाँ से लोगों को कम से कम 70% तक का तो फ़ायदा आराम से मिल ही गया होगा। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि भाई शेयर में जैसे ही लोअर सर्किट आएगा आपका शेयर सेल नहीं होगा बिल्कुल भी। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप है 295 करोड़ तक का। कंपनी का ROE दोस्तों खास नहीं है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% तक का है, 40 करोड़ के सेल्स हैं। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर क्या देखने वाली है, कंपनी के ऊपर कर्जा 13 करोड़ का और 8 करोड़ के रिजर्व है। वैसे देखा जाए कंपनी के पास कर्जा कम है और डेट इक्विटी भी 1 से कम है और प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है। वैसे कंपनी के फंडामेंटल का फ़र्क कुछ खास नहीं पड़ता अगर कंपनी ऑपरेटर ड्रिवन हो तो। अगर ये दोस्तों बेकार फंडामेंटल वाली कंपनी भी होती है और इसको ऑपरेटर्स एक्टिव कर रहे होते, ऑपरेट कर रहे होते, तो ये अच्छी खासी बढ़ती। वहीं पर आप देख सकते हो दोस्तों कंपनी की वॉल्यूम पर डे के हिसाब से बहुत अच्छी खासी लगी हुई है, जो कि इससे पहले इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब यहाँ पर भी अगर देखो तो बहुत थोड़े दिनों पहले बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम लगी पड़ी थी जब से शेयर के अंदर अपर सर्किट लगा हुआ है। ये बड़े बड़े ग्राफ्स जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कंपनी की वॉल्यूम गई हैं, बाकी छोटे छोटे ग्राफ भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इन दिनों भी कंपनी की वॉल्यूम लगी पड़ी थी, मतलब 23-24 हज़ार के हिसाब से कुछ दिनों पहले शेयर ट्रेड हो रहे थे। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट, तो ये भी इतने खास नहीं है। कंपनी मर मर के अपने फ़ायदे निकालती है, जैसे कि 80 हज़ार के, 70 हज़ार के, 2 लाख 20 हज़ार के, 15 लाख के कुछ हिसाब से कंपनी फ़ायदे निकालती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी कंपनी का सालाना प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल लो है, CAGR 802 का चल रहा है, क्योंकि कंपनी बढ़ रही है तो इस वजह से भी CAGR भी बढ़ा हुआ है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न नॉट अवेलेबल आ रहा है कंपनी का। कंपनी का आप देख ही सकते हो क्षितिज पॉलीलाइन नाम है, और साफ साफ कह रहा हूँ ऑपरेटर ड्रिवन शेयर है, थोड़े टाइम तक के लिए बढ़ेगा, फिर इसके बाद एक अच्छा खासा डाउन ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। तो मतलब अगर आप लोग एग्जिट लेना चाहो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा मौका है अगर आप लोगों को 100-150% तक का फ़ायदा मिल चुका है, क्योंकि जब ये शेयर गिरेगा तो कम से कम 50-60% तक तो आराम से जाएगा। बाकी आप लोगों को क्या कहना है क्षितिज पॉलीलाइन से रिलेटेड, ये बात कमेंट कर जरूर।